अग्निपथ योजना को लेकर ग्रेटर नोएडा के किसानों में दिखा आक्रोश। जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी और जमकर प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में किसान उतरे प्रदर्शन पर। सैकड़ों की संख्या में किसान जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर सरकार द्वारा लागू की जा रही अग्निपथ योजना के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। किसानों का सरकार पर आरोप है कि युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, जिसके चलते किसान आज जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर योजना के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अग्निपथ योजना को लेकर किसानों में भी आज काफी आक्रोश देखने को मिला है। सरकार द्वारा लागू की जा रही अग्निपथ योजना को लेकर किसानों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और योजना अगर लागू करती है सरकार तो किसान देश भर में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। सरकार 4 साल की नौकरी देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, लेकिन हम किसान बिल्कुल भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सरकार जो योजना लागू करना चाहती है उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। अगर सरकार योजना लागू करेगी तो पूरे देश में किसान सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल करेगा और इसका हर्जाना सरकार को भुगतना पड़ेगा, इसलिए हम सरकार के खिलाफ है। आज जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी और इस योजना को सरकार बिल्कुल भी ना लागू करे और साथ ही युवाओं के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए उस पर विचार करे। देखिए, जो ये नया एक हमारी आर्मी जो स्वतंत्र थी भारत में, जो हमारे बच्चे जा करके देश की सेवा करते थे, उनको बिल्कुल इन्होंने 4 साल की नौकरी दे करके ना ही उसमें कोई पेंशन है ना ही कोई योजना है। जो पहले योजना थी उसको लागू रखा जाए और ये जो नई योजना है उसको ख़त्म किया जाए। हम इसी के लिए आज माननीय राष्ट्रपति जी के नाम जो ज्ञापन सौंपा है माननीय जिलाधिकारी के द्वारा। और अगर ये इन्होंने पेंशन ख़त्म करनी है तो विधायक ही करें, उसका 4 साल का कार्यकाल करके 1 साल का कार्यकाल करें, विधायक का करें, MP का करें, उसकी ख़त्म करें पेंशन करें, तो ना कि जवान की किसी की। कॉपी दे देना। हमारी मांग जो मांग जायज है आज, पहले तो किसान इन्होंने बेरोजगार कर दिया, अब जो किसान मजदूर के बेटे कैसे कैसे किसान ने पढ़ाए, आज उनकी नौकरी के लिए जिन्होंने आवेदन किया उनके अब उनका भी कार्यकाल 4 साल का कर दिया। हम पूरी किसान यूनियन अंबावता इसका विरोध करती है और महामहिम राष्ट्रपति जी को माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया कि जो पहले की भांति भर्तियां हो रही थी वो जूं की त्यों रहनी चाहिए, ना कि इसमें फेरबदल किया जाए। हमारे बच्चे इनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। सरकार ने तो पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने तैयारी कर ली है, हम सरकार के खिलाफ है, हम भी अपनी तैयारी करके मैदान में कूदेंगे। जैसे पहले कृषि काले कानून के बारे में आपने सुना होगा, वो वापस कराया, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। पहले किसान के साथ में अत्याचार किया, अब नौजवानों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, हम इस योजना को लागू नहीं होने देंगे, हमें चाहे सड़क पर उतरना पड़े। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।